टाउन चौकी में एडिशनल एसपी बुगला मीणा की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान आवाज के अंतर्गत कार्यक्रम भरोसा संगठन की महिलाओं की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान महिलाओं ने बालिकाओं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बालकों की तस्करी जैसे अपराधों से अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं भरतपुर से आई आंगन संस्था की सदस्य सुचिता ने बताया कि उनकी यह संस्था गांव-गांव डाड़ी डाड़ी महिला व बालिकाओं के अधिकारों व उनकी समस्याओं के निदान के लिए भरोसा नामक समितियों का गठन किया है, जिसका सुपरिणाम भी मिलने लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पुलिस से जानकारी प्राप्त कर महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भरोसा नामक समितियों का गठन किया गया है। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सीओ व थाना अधिकारियों सहित टाउन चौकी प्रभारी को महिलाओं की बताई समस्याओं के समाधान एवं आवश्यक गश्त करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। बाल सुरक्षा हमारी एक जिम्मेदारी है और राजस्थान पुलिस हमारी बार बार मतलब मदद कर रही है और अपने गांव को नहीं बल्कि भरतपुर के सभी गांव के बच्चों को हम बाल विवाह मुक्त कराना चाहते हैं। यही हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। अच्छा, महिलाओं के प्रति भरतपुर के गांव में बाल विवाह होते हैं, महिला अत्याचार होते हैं, दारू वगैरह पीकर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। हम पुलिस की हेल्प ले रहे हैं, पुलिस हमारी हेल्प कर रही है। इसी हेल्प के साथ हम उनको जागरूक कर रही है अपने गांव की महिलाओं को। हम लोग आंगन संस्था से हैं और आंगन संस्था का मेन उद्देश्य है कि बस्ती की महिला और पुलिस की एक लिंक लगनी चाहिए, ताकि ये जब जॉइंट एक साथ आ जाएंगे तो बस्ती के जो भी समस्या है, खास करके बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल हिंसा और बालकों को जो तस्करी होती है उसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। तो जब तक ये लोग इकट्ठा नहीं आएंगे, एक पुलिस के साथ हेल्प नहीं करेंगे या पुलिस की हेल्प नहीं लेंगे, तब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज आवाज़ का जो प्रोग्राम है उनका भी वही उद्देश्य है कि यहाँ पे जो हिंसा हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, तो वो कम कैसे हो सकते हैं और यहाँ पे रोकथाम कैसे हो सकते हैं। और जो राजस्थान और हमारा मेन उद्देश्य वही है, हम लोग TI है, इनको ट्रेनिंग देते हैं और आगे बढ़ाने के लिए इनको प्रेरणा करते हैं। आपकी संस्था है भरोसा, इसमें जैसे पहले ही बोले कि हम लोग पुलिस की मदद लेते हैं और यहाँ पे आके पहले हम लोग पुलिस से पूछते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमें जाने की या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। वही बस्ती में हम लोग जाते हैं और वहाँ की वॉलेंटियर को, जैसे हमारे यहाँ स्कूल टीचर है, प्रिंसिपल है या सरपंच है, सेक्रेटरी है, तो और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता है, तो उनसे हम लोग इकट्ठा मिल के उनसे पूछते हैं कि कौन सी महिला है जो स्वयंसेवी संगठन है आंगन जी, उन्होंने जो कार्यक्रम चला रखा भरोसा, उसकी तत्वावधान में आज पुलिस अधिकारियों के साथ और इनके जो गांवों से जुड़े हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं उनसे अनौपचारिक माहौल में वार्ता हुई। बहुत ही सहज भाव से हमने उनको जो है महिलाओं और बच्चों पे जो अत्याचार होते हैं उसके संबंध में जो भी कानून है प्रोटेक्शन के लिए उनके बारे में बताया। एक एक महिलाओं ने अपने गाँवों में जो ग्राउंड लेवल तक की समस्याएं हैं, क्या क्या गाँव में दिक्कत आ रही है, उनके बारे में हमारे से शेयर किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेडीज जो है वो जो है सेल्फ मोटिवेटेड होके गाँवों में जो है जो भी सामाजिक बुराई है, महिलाओं और जो बच्चों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, जो दारू पी के जो तंग करते हैं लेडीज़ को, इसके बारे में बड़ा खुल के हमें जो है अनौपचारिक माहौल में बताया। हमने उनको आश्वासन दिया कि हमारी जो हेल्प होगी वो बिल्कुल हम उनकी करेंगे और आगे इस कार्यक्रम को और बढ़ाएंगे। इसमें दूसरे डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता, स्कूल आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, उनको भी हम जोड़ेंगे और निश्चित रूप से एक आंदोलन का रूप लेगा और इसको और आगे बढ़ा के जितनी जो समाज में जितनी जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास।